हेलो अस्सलाम वालेकुम शदियो, की हाल चाल है? ठीक हो? तो यार सबसे पहले इस मैच में आती हैं अरेबिक लड़कियां, इसमें नहीं मतलब आगे आएंगी, आपको मैं ही दिखाएंगे, वो भी यार क्यों नहीं दिखाएंगे, उसी पे तो व्यू आने हैं, समझ रहे हो ना, इसीलिए तो वीडियो पे क्लिक किया तुम लोगों ने। बड़े शरारती हो रहे, नॉटी और वॉट। चेक करो यार, पाकिस्तानी भी अच्छा खेलते हैं, नो डाउट ब्रो, लेकिन 80% पाकिस्तानी हमेशा कैंप करके मारते हैं, इसमें भी नो डाउट है। तो चेक करो, इसको एक को मारता हूँ, दूसरा चेक करो, कहता मैं जाकर निकाल दिना दे भरा नूँ, मैं कह सी खुदू में बैठे हैं, तो हम इसको भी ले लेते हैं, नो डाउट नो प्रॉब्लम ब्रो, यू गोना किल। ओके, तो यहाँ पे एक और बंदा होता है, तो आपका भाई सस्ती इंग्लिश मारने के बाद यहाँ पे एक नेट भी सस्ता सा कराता है, अरे बंदा बुम, चेक करो पीछे भाग रहा है बेचारा। तो यहाँ पे इसको भी नोक फिनिश करा देंगे, राफे, पता नहीं लड़का है लड़की, यार राफे तो दोनों का ही नाम है, लड़की का भी नाम है लड़के का भी नाम है। तो जब मैंने पहली दफ़ा सुना राफे लड़के का नाम है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो भाई हो सकता है पाकिस्तान है। इनको दो बंदे को मारने के बाद ये तीसरा बंदा मेरे शटे टाट कर देता है भाई, कहता है तेनू मैं दसना खलो जा। तो इस भाई को यहाँ पे मैं जरा फुटबॉल बन के इधर आता हूँ, वो चेक करना यार, पाकिस्तानी नेट है ब्रो, पाकिस्तान का नेट है, आम बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका भाई फिर फुटबॉल बन के इधर आता है, और यहाँ पे ये दो बंदे होते हैं, और यहाँ पे चेक करना ट्रेसिंग, ओए चासनी है तो पैसे वापस। तो इसको मारने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं, फिर यार आगे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ पे हो जाएंगे कैंपर की नज़र हो जाएंगे, समझ गए ना, नज़र किसको कहते हैं। तो ये होती हैं दो अरेबिक लड़कियाँ, चेक करो यार इन दो को मैं कैसे नो कराता हूँ, मज़ा आया ना, चेक करना दूसरा ये पता नहीं लड़का है कि लड़की है, बोलते एक लड़की रही थी। तो यहाँ पे दोनों को मैं नोक कराता हूँ, और ये चेक करो अरबी साले हरामखोर कैंपर कुत्ते दल्ले बैंड जो गालियाँ आती हैं सारी इनको मेरी तरफ से। तो यहाँ पे मैं पहले ही कहता हूँ यार सामने वाले घर में जाता हूँ, लोकेशन अच्छी बनेगी, लेकिन बाहर भी एक बंदा होता है। एक को नोक कराने के बाद हम दूसरे को नोक कराएंगे ईजी होके, चेक करो दो को तो हम ईजी लेंगे ना, तो चेक करना यार ये बंदा थोड़ा डैमेज दे जाता है हमें यहाँ पे। तो फिर यार ऑप्शन नहीं होता, मैं पहले यहाँ पे कहता हूँ नेड कराता हूँ, एक किट लग गया ना बात बन जाएगी, पर यहाँ पे एक बंदा पुश कराता है और आहो सीन हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पे अगर मैं जंप ना कराता तो शायद मैं उसको ले जाता। तो यहाँ पे हम पहले एक नेड कराएंगे, और सामने भैया था वो भी नेड करा रहा था हमारे ऊपर, तो नेड खेलने के बाद हमारा नेड एग्जैक्ट उसके मुँह पर जाके फटेगा, और ये चेक करो हैवी वाला नेड कराने के बाद, और ये एस के 9-स्टार लोबी है, 9-स्टार सा मेरे बहुत अच्छी लोबी है ये वाली, और यहाँ पे सोलो स्क्वाड में खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बंदे का हम किल चोरी करते हैं, और ये चेक करो सल्लू भैया जा रहे हैं, सल्लू भाई अभी ये दोबारा आएंगे, सल्लू भाई कहते हैं बदला लेंगे, तो हम कहते हैं फिर ले के दिखाओ। तो ये दो बंदे होते हैं, ये रहा इसका दूसरा बंदा, इसकी एक बुलेट लगी है और मैंने इसको मारी है इतनी सारी बुलेट भाई, तो फिर पता नहीं क्या सोचने आया यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे नोक कराएंगे, और यहाँ पे एक और बंदा होता है उसके ऊपर नेड कराएंगे हम यहाँ पे। यार पता नहीं कैसे लेकिन ये बंदा यहाँ पे, आई डोंट नो यार, इसको मरना चाहिए था यार, नेड चेक करो ना, बिल्कुल सही परफेक्ट नेड था, लेकिन शायद थोड़ा सा आगे चला जाता बाउंस होके। नो टेंशन नो वरीज, इस बंदे को हम यहाँ पे इजीली मार देंगे। तो यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद हम यहाँ पे किट शीट लगाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा फुल बैक आपको पता है करना चाहिए, वो लोकेशन अच्छी नहीं है, अगर पहाड़ी भी बंदे आ जाते चेक करो, जैसे हबीबी भैया ग्लेशियर भी थी बीबी भैया के पास, और इनका नाम भी आया था प्लेन पे, तो प्लेन वाले बंदे थे ना। तो यहाँ पे इसको हम नोक कराएंगे, इसका सल्लू भैया ये देखना, अभी सल्लू भैया जाएंगे उसको रिवाइव देने, हम कहते हैं नहीं जा सकते भाई, छुट्टी करो। तो ये है भाई सबसे हैवी 1v4 ऑन अरेबिक स्क्वाड, सबसे अच्छे प्लेयर थे ये, और इनका सबके नहीं, मेरे ख्याल में दो बंदों के पास गन्स अपग्रेडेड थी। तो ये भी मेरे साथ वाले घर में दो स्क्वाड उतरते हैं, और ये भाई चेक करो ये अरबी चारों के चारों, जो लास्ट वाला बंदा है ना भाई, ये इसका सेकंड नंबर पे प्लेन पे नाम आया था, जिसका सबसे टॉप पे आया था ना ये बंदा, उनको पूरा स्क्वाड मार देते हैं, वो चार के चार बंदे जो थे मिथिक फैशन वाले थे, प्लस उन सबके पास गन्स अपग्रेडेड थी, किली में से बड़े हैवी मार रहे थे, लेकिन ये यहाँ पे ले जाते हैं। और इनका तीसरे बंदे का तो नेट ख़राब होता है, यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा आसानी पैदा कर देता है इसका नेट, तो इसको हम नो कराते हैं, रह जाता है लास्ट बंदा इनके स्क्वाड का, और ये लास्ट बंदा जो है ना भाई चेक करो है भाई, चेक करना ग्लेशियर एक है मैं भाई के पास, हैवी भाई हैवी लोना है, चेक करो हो। लेकिन आपका भाई भी यार थोड़ा प्रो है, थोड़ी गेम है आपके भाई की, यहाँ पे मैं भी ले जाता हूँ इनको, यार चेक करो भले हालत मेरी थोड़ी सी है, बोट भी आता तो मैं मर जाता, वो लेता बात है वहाँ पे बोट आया था लेकिन मैंने मार दिया ना, यू नो आहो आहो सीन है। तो चेक करो भाई, ये यार हमारे साथ पंगा लोगे तो पीछे भागना पड़ेगा यार, अभी देखना ओ भाई
क्या सोच रहे हो यार, मेरे पास गन है यार, क्या कर रहे हो यार, समझ रहे हो बोर्ड समझ रहे हो यार। यहाँ पे दो बंदे होते हैं, दोनों को मैं ले जाता हूँ यहाँ पे इजी हो के यार, टेंशन वाली बात है, जब आपका भाई जिंदा है टेंशन क्यों लेनी है यार टेंशन। तो यार चेक करो अभी भाई का दिमाग चेक करो, मैं वापस आया हूँ और ये फिर जाकर वहीं से लूट करने लगी है। वाह भाई वाह लोंडे, तुम्हारा दिमाग तो बहुत हैवी तेज हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों को मारने के बाद ये होता है मिथिक फैशन वाला लोंडा, हम इसको भी ये चेक करो, मिथिक फैशन वाला लोंडा होता है। और चेक करना बैन चूत किस्मत ऐसी मेरी टट्टी, मुझे लगा नेट मेरे पास है, मैं जैसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे नेट देखने के बाद मेरी फट जाती है यार, मैं मर जाता हूँ। वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ यार, बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सब्सक्राइब ही किया करो ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है आपके भाई को। अल्लाह हाफिज़।